Welcome to my channel History Demer. Today we are going to discuss medieval history, Chhatrapati Sivaji. Let's start. I have already made two videos on Maratha dynasty. If you are interested to watch, you can go through the description box of this video. Let's start. Sivaji was born in 1627 in the hilly port of Sibnar. His name is shivaji he born in Sibnar. The place is this name is related to Sivaji. तो उनका पैदा ही हुआ था इन सिक्सटीन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन में उनका पैदा हुआ पैदा हुए थे और उनके मोम का नाम जो था जीजाबाई था और उनके पापा का नाम था शाहजी भोसले और शाहजी भोसले के जितने सारे वाइफ थे आउट ऑफ देम जीजाबाई फर्स्ट वाइफ थे ठीक है जीजा भाई द फर्स्ट वाइफ तो थ्री ग्रेट पर्सनलिटीज़ तीन ग्रेट पर्सनलिटीज़ ऐसे थे जो कि शिवाजी का लाइफ को बिल्ड किए थे कैरेक्टर को बिल्ड किए थे उनका अचीवमेंट में इनका बहुत सारा रोल था एक है उनके जीजाबाई जो कि स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड थे और रिलीजियस थे वो बहुत सारा इंडिया के पास्ट के बारे में एंटीक्विटीज़ के बारे में हिंदुत्व के बारे में बहुत सारा इम्प्रेस किए उनके बेटे को और देन गुरु आ, समर्थ रामदास तो इनको बोलता है इनको बोला जाता है रिलीजियस गुरु और ये जो है पॉलिटिकल गुरु उनको बोला जाता है दादाजी कोंडे तो ये तीनों बहुत सारा आ, इनका रोल प्ले था उनके लाइफ में तो फिर देखते हैं ही इनहेरिटेड द जागीर ऑफ पूना फ्रॉम हिज फादर इन सिक्सटीन हंड्रेड थर्टी सेवन सिक्सटीन हंड्रेड थर्टी सेवन में क्या हुआ उनके फादर का जो पूना जागीर था उसको वो हासिल किए इन सिक्सटीन हंड्रेड थर्टी सेवन में इन 1641 में ही वॉज़ मैरिड टू साई बाई उनकी बीबी का नाम था साई बाई ऑफ द निम्बलकर फैमिली वो कौन से फैमिली से बिलोंग करती थी निम्बलकर फैमिली से हमारा और एक वीडियो अपलोड होने वाला है ओनली शिवाजी के ऊपर फिफ्टी क्वेश्चन का तो ज़रूर उसको देखिएगा और उसके साथ कमेंट ज़रूर दीजिएगा क्योंकि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मराठा डायनेस्टी आता ही आता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शिवाजी के ऊपर बनता है और जो भी स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है जैसे के एस एस बी याडीशा और बहुत सारे एग्जाम्स है जैसे कि नेट यू जी सी नेट हो हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कॉमन है और शिवाजी के ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन फिफ्टी क्वेश्चन बना हुआ है तो उसको आप देखिएगा और कमेंट दीजिएगा लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वन विथ द डेथ ऑफ हिज गार्डियन दादाजी कौनडेव कौनदेव का आ, मौत हो गया इन 1647 में ये भी एग्जाम में पड़ता है कि दादाजी कौनडेप कौन, कौन थे कौन सा गुरु थे और उनका डेथ कब हुआ था देन देखते हैं शिवाजी बिगन हिज रियल कैरियर ऑफ कंक्वेस्ट तो फर्स्ट उनका जो कंक्वेस्ट लाइफ था वो 1656 से स्टार्ट हुआ वेन ही कंकर्ड जावली फ्रॉम द मराठा चिप चंद्रा राव मोर चंद्रा राव मोर जो कि मराठा के चिप थे उनके पास से जबली जबली एक प्लेस का नाम है उसको वो कंकर् किए कौन किए इन सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवे फिफ्टी सिक्स में और आ, कौन कंकर किए शिवाजी कंकर किए तो तब से उनका फर्स्ट लाइफ ऑफ अचीवमेंट जैसे कि कंकर कंक्वेस्ट लाइफ उनका वहीं से स्टार्ट हुआ शिवाजी ट्राई टू कंक्वेस्ट बीजापुर देन वो ट्राई किए कि बीजापुर को कंक्वेस्ट करने के लिए बीजापुर को मालूम है आपको बीजापुर गोलकुंडा अहमदाबाद ऐसे सब बहुत सारा स्टेट था जो कि मुस्लिम रूलर के द्वारा शासित हो रहा था तो वो उसे बीजापुर को कंक्वेस्ट करने का कोशिश की बीजापुर नाउ डिसाइडेड टू तो टेक टर्न एक्शन इट सेंट अगेंस्ट शिवाजी ए प्रेमियर बीजापुरी नोबल अफजल खान आर द हेड ऑफ टेन थाउजेंड ट्रुप्स विथ इंस्ट्रक्शन टू कैप्चर हिम बाई एनी मीन्स पॉसिबल तो बीजापुर को जब ऑक्यूपाई करने का कोशिश किए तो बीजापुर के जो राजा थे वो चाहे कि वो खुद टेन थाउजेंड ट्रुप्स के साथ अफजल खान को भेजे बोले कि तुम जाओ उनको आ, उनका बदला लेने के लिए कोशिश की जाके उनको जैसे भी हो बाय एनी मीन्स उनको पकड़ के लाओ जिंदा हो या मुर्दा तो शिवाजी मॉडर द खान इन सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी नाइन सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी नाइन में आ, क्या किया शिवाजी जी मॉडर किए अफजल खान को मॉडर कर दिए जो अफज़ल खान उनको मारने गया था उल्टा वो मर के आया तो फिर क्या हुआ औरंगजेब इंस्ट्रक्टर द न्यू मुगल गवर्नर ऑफ़ द डेक्कन साइस्ता खान हु वाज रिलेटेड टू औरंगजेब बाई मैरिज टू इन्वर्ट शिवाजी डोमिनियंस शिवाजी अफजल खान का मौत के बाद अफजल खान का डिफ़ीट के बाद फिर औरंगजेब क्या कहना औरंगजेब भी बीजापुर गोलकुंडा ये सब को अकुपाई कर लिए थे ऑलरेडी क्योंकि वो भी चाहते थे कि आ, उनका टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड में तीन तीन जो स्टेट था उसको ऑक्यूपाई कर लिए थे तो वही चाहते थे कि शिवाजी को ख़त्म करने के लिए शिवाजी को पूरा शिवाजी का जो डायनेस्टी था उसको एंड करने के लिए शिवाजी का जो इंटरेस्ट था उनका जो एम्बिशियस नेचर था उसको एंड करने के लिए तो पहले जो अफजल खा गए थे नेक्स्ट में वो साइस्ता खान को भेजे साइस्ता खान हु वॉज़ रिलेटेड टू द औरंगजेब बाई मैरिज टू इन्वाइट शिवाजी डोमिनेंस इतना जानने का कोई ज़रूरत नहीं है बट आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं इसे टाइप की हूँ तो फिर देखते हैं अट फर्स्ट द वार वेंट बैडली फॉर शिवाजी तो साइस्ता खान पहले पहले उनको हराने का कोशिश किए मतलब जो शिवाजी जो थे वो पहले पहले हारने लगे बाद में ऑकुपाइड पूना मेड इट हिस्स कैपिट हेड क्वार्टर्स साइस्ता खान क्या किया ना आ, उनको बैडली मतलब शिवाजी को थोड़ा डिफीट करके पूरा डिफीट नहीं किए मतलब बस उनको थोड़ा हरा के तो पूना हासिल कर लिए पूना को लेकर उसको हेड क्वाटर बना दिए तो फिर क्या इन रिवर्स रिवर्स में क्या किया ना शिवाजी अटक द खान इन हिज हरम इन 1663 में किलिंग हिज सोन एंड वन ऑफ हिज कैप्टन एंड उंग द खान खान को पूरा ऊंड कर दिए पूरा लहूलुहान बना दिए हरम में जाकर सोलह में उनके बेटे को मार दिया और उनके एक कैप्टन को मार दिए मार के इनको पूरा लहूलुहान कर दिए तो इन आंगर औरंगजेब ट्रांसफर साइस्ता खान टू तो बेंगल गुस्सा हो गए औरंगजेब पूरा गुस्सा होकर साइस्ता खान को बेंगल को भेज दिए बोले कि तुम्हारा कोई काम नहीं यहाँ पे रहकर तो यहाँ पे एक तृतिया पुरंदर हुआ ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिटी है मराठा डाइनेस्टी में और वो भी शिवाजी के साथ देखते हैं ये है ट्रिटी ऑफ पुरंदर तो ऑफ पुरंदर क्या है इसका टाइम पीरियड भी याद रखना है इन सिक्सटीन में हुआ था आफ्टर ग्रेट फेलर ऑफ साइस्ता खान औरंगजेब सेंट राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर राजा जय सिंह जो अम्बेर के थे वो भी राजा मुगल डायनेस्टी के अंडर में थे तो मुगल को सपोर्ट कर रहे थे तो राजा जय सिंह को भेजे राजा जय सिंह बहुत डिप्लोमैटिक थे और श्रूड पॉलिटिशियन थे तो उनको जब भेजा गया ही मेड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री प्रिपेरेशन कौन जय सिंह किसको ऑक्युपाई करने के शिवाजी को तो फिर क्या कहना यहाँ पे जय सिंह क्लोजली बी सीस्ट पुरंदर इन सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव हंड्रेड सिक्सटी फाइव में सोलह में वो क्या कहना पुरंदर को सीज किए और बीटिंग ऑफ ऑल मराठा अटैम्प्ट जितना सारा मराठा अटेम्प्ट था मतलब जितना उनका कोशिश था कोशिश को वो खारिज कर दिए शिवाजी मेड नेगोशिएशंस विद जय सिंह तो फिर शिवाजी क्या करेंगे तो शिवाजी हारने लगे तो शिवाजी क्या करेंगे एक नेगोशिएशन बनाए जय सिंह के साथ तो उसका नेगोशिएशन का नाम जो था उसका उसी का नाम ही था पुरंदर ट्रिटी जिसको सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव में हुआ था एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि पुरंदर ट्रिटी कब हुआ था इन सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव में इसे याद रखना है तो फिर देखें तो ट्रिटी का क्या रूल्स था जो ट्रिटी में जो भी नेगोशिएशन हुआ था वो नेगोशिएशन क्या था थर्टी फाइव फोर्स हेल्ड बाई शिवाजी जो शिवाजी के अंडर में जो थर्टी फाइव फोर्स था उसे आउट ऑफ थर्टी फाइव फोर्स से तेईस फोर्स दिया जाएगा किसे आ, जो कि रेवेन्यू यील्ड करता है रेवेन्यू लेता है कहाँ से और फोर लाख ऑफ हन्स एवरी ईयर वे आर टू बी सरेंडर जहाँ वहाँ पे फोर लाख्स ऑफ हूं हूं उस टाइम का मतलब वो इसको बोलते थे आ, आ, जो मेजरमेंट को बोलते थे तो क्या होना फोर लाख ऑफ हंस रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था वो सब मोगल्स को दिया जाएगा मोगल्स को दिया जाएगा ट्वेंटी थ्री वाला फोर्ट ट्वेंटी थ्री फोर्ट और जो बारह फोर्ट है विथ अनुअल इनकम ऑफ वन लाख ओनली ओनली वन लाख हंस वेयर टू लेफ्ट टू द शिवाजी ओनली शिवाजी बारह रखेंगे और जो ट्वेंटी थ्री जो होगा वो औरंगजेब को दिया जाएगा नेक्स्ट वन शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था और अचीवमेंट क्या था बहुत सारे बुक्स में बहुत कुछ दिया है बट तो हम लोग कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारा बेस क्लियर करने के लिए हम जो भी इम्पोर्टेंट है वो ही इसमें कवर हुआ है तो इन सेवे सिक्सटीन हंड्रेड सेवेंटी फोर में शिवाजी क्राउन हिमसेल फॉर्मली एट रायगढ़ तो ये एग्जाम में पड़ता है कहाँ पे और किस टाइम में देखो उसके पहले कितना सारा कंक्वेस्ट हो गया अभी लेकिन तब तक वो अभी क्राउन हुए नहीं हैं मतलब खुद को क्राउंड नहीं किए हैं जो कि जो राजा का उपाधि हासिल करना वो उसको नहीं किए हैं तो इन 1674 में शिवाजी क्राउंड फॉर्मली अ ट्राइगर्ड फिर टू स्ट्रेंदिन हिज कैपिटल हिज सोशल पोजिशन फर्दर शिवाजी मैरिड इन टू सम ऑफ द लीडिंग ओल्ड मराठा फैमिलीज मोहाइट्स एंड सिर्किज तो वो जो पहले शादी हुए थे हुए थे फिर अपना पॉलिटिकल पावर को स्ट्रेंडेन करने के लिए और दो टू फैमिली के साथ वो मैरिज किए एक है सिरकेस और एक है मोहैट्स राजा सब का तो काम वही था अपना पावर को कंसोलिडेट करने के लिए और आ, भारत को कंसोलिडेट करने के लिए वो लोग बहुत सारा मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप रखते थे इन 1676 में शिवाजी टूक न्यू वेंचर अगेन वो क्या ओके सिक्स्टीन हड्रेड सेवटी सिक्स द कॅप ॲक्टिव्ह एड अँड सपोर्ट ऑफ द ब्रदर्स मदन अँड अखना मदना अखना दो भाई थे वो दोनों के सपोर्ट के जरिए से आठ हैदराबाद में शिवाजी अंडर टू का एक्सपेडिशन इन टू द बीजापुर कर्नाटका तो वो बीजापुरी कर्नाटकों को भी कोशिश कर रहे थे कि उसमें भी वो अपना रेड करे कि एक्सपेडिशन एकस्पे, करने के लिए तो उनको सपोर्ट मिल गया मर्दाना से और अखनाना से तो अखनाना से सिक्सटीन में वो क्या किए ना बीजापुरी को अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो गए तो फिर शिवाजी वसगीबे ने ग्रांड वेलकम बाई कुतुब शाह आठ कैपिटल तो ये जो थे बीजापुरी कर्नाटक का जो राजा थे उनका नाम था कुतुब शाह आठ कैपिटल में इनको वेलकम किए शिवाजी को वेलकम किए तो शिवाजी गए ऑक्यूपाई करने के लिए तो फिर द ट्रिटी वॉज वेरी फेवरेबल टू शिवाजी तो वो तो जो ट्रिटी हुआ शायद यहाँ पे बुक्स पे इसमें इस जो थे कुतुब शाह जो थे आ, इनका थोड़ा से मतलब पूरा तो आ, डिफीट किसी के साथ नहीं हुआ कुछ कुछ ट्रिटी के जरिए से कुछ कुछ फ़ायदा हो जा रहा था तो एक आके ना कुतुब शाह के साथ आ, फाइट हुआ देन एक ट्रिटी हुआ उनके बीच में एक नेगोशिएशन हुआ वो नेगोशिएशन ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेबल था शिवाजी के लिए तो एंड एना हिम कैप्चर जिंजी और जिंजी कैप्चर किए एंड भेलोर फ्रॉम बीजापुरी ऑफिशियल्स जो बीजापुरी ऑफिशियल्स थे उनके पास से जिंजी और भेलोर को हासिल किए उनका नेगोशिएशन के जरिए से और ट्रिटी के जरिए से फिर शिवाजी अज्यूम्ड टाइटल हिंदूवा व धर्म मतलब प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू फेथ बिकॉज वो पूरे हिंदुइज्म के ऊपर बिलीव करते थे और हिंदुइज्म का रिवाइव करना चाहते थे फिर कर्नाटका वाज लास्ट मेजर एक्सपेडिशन ऑफ शिवाजी शिवाजी डाइड इन सिक्सटीन हंड्रेड शिवाजी का जो लास्ट एक्सपेडिशन था वो कर्नाटक का था और शिवाजी का डेथ हो गया इन सिक्सटीन हंड्रेड में तो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था उसको बोला जाता था शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन का नाम था अष्ट प्रधान अष्ट प्रधान मीन्स ऐसा आठ प्रधान जो कि आठ आठ चीज था मतलब आठ पार्ट था जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे शिवाजी को उनका स्मूथ रनिंग के लिए उनका एडमिनिस्ट्रेशन को सिक्स पार्ट में डिवाइड कर दिए थे शिवाजी वॉज द मास्टर ऑफ भाष टेरिटोरीज ऑफ महाराष्ट्र के वो मास्टर थे कर्नाटका के थे तमिलनाडु के थे हिज एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स एक था स्वराज मतलब ओन किंगडम और मुल्क कदम ये याद रखना ओल्ड टेरिटोरीज ठीक है दो था पार्ट में एक था स्वराज था जो कि अपना था और जो मुल्क कदम मतलब मतलब ओल्ड टेरिटोरीज़ था तो ये दो को एम्पायर को टू पार्ट में डिवाइड किए थे देन उनका एडमिनिस्ट्रेशन को कितने भाग में डिवाइड करते है? देखें शिवाजी मेड महार मराठी एज द लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल वर्क उनका जो ऑफिशियल वर्क के लिए वो मराठी लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब में उसको घोषित किए थे ए डिक्शनरी ऑफ ऑफिशियल उप टर्म्स कॉल्ड द राजा व्यवहार कोशा और उनका डिक्शनरी का नाम क्या था राजा व्यवहार कोशा याद रखना राजा व्यवहार कोश प्रिपेयर अंडर द सुपरविजन ऑफ रघुनाथ पंडित हनुमंते ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पढ़ना पड़ सकता है जैसे कि देखो एक है मराठी लैंग्वेज जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से वो घोषित किए थे और एक उनका डिक्शनरी था और का नाम था राजा व्यवहार कोश और एक प्रिपेयर था बना था किसके जरिए से रघुनाथ पंडित हनुमंते ठीक है रघुनाथ पंडित हनुमंते के द्वारा बना था तो फिर देखते हैं अष्टप्रधान। अष्टप्रधान कैसा है पेशवा तो अष्टप्रधान जो था मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन को एट भाग में डिवाइड किया गया था पहला होता है पेशवा और मुखिया उसको बोला जाता है पेशवा या मुखिया। ऑल टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रधान एम्पायर जितना सारा काम था एडमिनिस्ट्रेशन का वो पेशवा के अंडर में रहता था जो कि पेशवा जो थे वो राजा के अंडर मतलब छत्रपति के बादे बाद रहते थे पेशवा जो कि हुआ सपोर्टिंग हु असिस्टिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पेशवा वाज़ द हेड फर्स्ट पेशवा बा मुखिया तो उसके बाद रहता था अमत्या बा मजुमदार दोनों बोला जाता था अमत्या भी बोला जाता है मजुमदार भी बोला जाता है वो कौन से थे फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर थे अमत्या मजुमदार जो थे फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर थे देन देखो वाकिया नवीश या मंत्री उनको बोला जाता था इंटेलिजेंस पोस्ट ऑन हाउस होल्ड अफेयर्स के वो लोग हेड थे वाकिया नबीश ऑन मंत्री देन सूरू नबीश सुरु नबीश जो थे उनको सचिव भी बोला जाता है चिटनीज भी बोला जाता था लुक्ड आफ्टर रॉयल करिसपेंडेंस जो रॉयल करिस्पेंडेंस जितना सारा था उसके ये लोग हेड थे फिर सुमंत और दाबीर इन चार्ज आ, और थे सुमंत और दाबीर वो थे इन चार्ज ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स सुमंत और दाबीर जो थे मतलब सुमंत जो है उनको दाबीर भी बोला जाता था वो थे चार्ज ऑफ फॉरेन अफेयर्स सर ई नौबत और ए और एक है यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा से इसको पीछे नहीं हटाई तो सार ई नौबत जो थे और सेनापति उनको बोला जाता था वो थे मिलिटरी कमांडर ठीक है जो सार ई नौबत और सेनापति वो मिलिटरी कमांडर थे फिर पंडित राव ये लास्ट वन थे वो थे चैरिटीज और रिलीजियस अफेयर्स के जो थे वो थे पंडित राव देखते हैं हमको आठ हो गया देखो फर्स्ट सॉरी फर्स्ट जो था एशवा एक नंबर ठीक है ये हो गया दो नंबर सब चला जा रहा है ये है तीन नंबर ये है चार नंबर ये है पाँच नंबर पाँच नंबर और ये है छ नंबर और ये है सात नंबर आठ कहाँ चला गया <coughs> सेनापति सारी नौबत एक दो शूर नब्बीस तीन चार पाँच सब मिला हुए हैं हाँ और एक है यहाँ पे सात के बाद न्यायाधीश उनको चीफ जस्टिस बोला जाता है एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन एवर ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ऑफ द किंगडम ठीक है न्यायाधीश इनको जो एट नंबर में थे एट नंबर पोस्ट में उनको न्यायाधीश बोला जाता है कि जो कि चीफ जस्टिस थे फिर हम लोग देखते हैं दो प्रकार का टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस हुए देयर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस टैक्सेस हुए डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स टू क्या क्या था एक था चौथ और सरदेशमुखी एक चौथ सरदेशमुखी याद रखना टू टैक्सेस हुए चौथ एंड सरदेशमुखी मुखी चौथ किसे बोला जाता था द चौथ वॉज वन फोर्थ पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द प्रोविंस वाइल सरदेशमुखी मुखी वॉज एडिशनल लेवी ऑफ वन बाई टेंथ परसेंट ऑन दोस लैंड ऑफ महाराष्ट्र ओवर व्हिच द मराठा क्लेम्ड हेरिडिटरी राइट्स बट व्हिच फॉर्म पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर जो पहला इनकम जो था चौथ वो स्टेट का जो इनकम था प्रोविंस का इनकम था फोर से वन परसेंट वन बाई फोर्थ पार्ट था उसको चौथ बोला जाता था और जो आ, ये था सर्द्रेस मुखी था वो वन बाई टेंथ था बट इसमें बोला जाता है महाराष्ट्र का जो मराठा थे मराठा का हेरिडिटरी राइट्स था बोला जाता है बट इसको ये अंडर में किसका था मुगल एम्पायर का मुगल एम्पायर उनको अलाउ नहीं करते थे सरदेस मुखी कलेक्ट करने के लिए तो बाद में इन लोगों का डिमांड था मराठा का पूरा डिमांड था मैं जो दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वो वीडियो में भी मैं बोली हूँ सरदेस मुखी और चौथ के बारे में और सरदेश मुखी और चौथ को डिमांड कर रहे थे मराठा लोग वो बोल रहे थे कि हमें सरदेश मुखी दे दीजिए फिर दिया गया था उनको जब सैयद ब्रदर्स आए थे सैयद ब्रदर्स के टाइम में उनको अलाउ किया गया था सर्देस मुखी कलेक्ट करने के लिए तो फिर देखते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या था बेसिक पार्ट ऑफ आर्मी वाज ऑफ शिवाजी वज इन्फेंट्री इन्फेंट्री था और काभल्री था उनका काभल्री मेन इन्फेंट्री uh, और काभ उनके दोनों का ये दो चीज़ जो था वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पॉइंट था देन ऑर्डिनरी शोल्डर्स वे आर पेड इन कैश जो ऑर्डिनरी शोल्डर थे उनको कैश में दिया जाता था बट बिग चीप्स एंड मिलिट्री कमांडर्स वे आर पेड थ्रू ग्रांट ऑफ रेवेन्यूज ऑफ सरंजम और मोक्शा जो कि जागीर बोला जाता था उसको सरंजम और मोक्शा जो है उसको जागीर बोला जाता था ये चीप को दिया जाता था जो चीफ कमांडर थे चीफ कमांडर को ये दिया जाता था सरंजम और मोक्शा और ऑर्डिनरी शोल्डर्स को दिया जाता था कैश कैश दिया जाता था कैश के आकार में दिया जाता था फिर देखते हैं द कावलरी कंसिस्टेट बर्गीस प्रोवाइडेड विथ हॉर्से हार्सेज एंड इक्विपमेंट बाई द स्टेट जो काभलरी जो थे उनको कभलरी कौन कौन सा चीज़ को कंसिड कर रहे थे वो बर्गीज के साथ थे मतलब वो बर्गीस एक था जिसे बोला जाता था प्रोवाइडेड विथ horses एंड इक्विपमेंट by द स्टेट माने जो जो इक्विपमेंट चाहिए था वो इक्विपमेंट उसके साथ दिया जाता था और उसके साथ horses दिया जाता था तो बर्गीज एक पार्ट थे कब्बलरी का एक पार्ट था अन सिलाहाार्स जो थे हार्ड टू मेंटेन देयर ओन हार्सेज एंड इक्विपमेंट जो सिलादार थे उन लोग अपना खुद का हॉर्सेस और इक्विपमेंट उसको मेंटेन करते थे देन हम लोग देखेंगे हायर की ऑफ द आर्मी ऑफिशल्स फ्रॉम द बटम टू टॉप बटम में कौन थे और टॉप में कौन थे टॉप से बटम ठीक है टॉप से बटम ये है आ, बटम से टॉप हमको देखेंगे यहाँ से यहाँ तक पहले होते थे नायक उसके बाद होते थे हवलदार उसके बाद होते थे जुमलादार उसके बाद होते थे पंच हजारी बाद होता था सर नौबत ठीक है उसके बाद देखते हैं देन ए न्यू रेवेन्यू असेसमेंट एक आ, और एक वाला न्यू रेवेन्यू असेसमेंट वाज क्रिएटेड बाय द शिवाजी वाज कंप्लीटेड बाय अन्ना जी दत्तो इन सिक्सटीन हंड्रेड सेवेंटी नाइन देन सिक्सटीन हंड्रेड एटी में शिवाजी का डेथ हो गया तो ये वीडियो पहले मुझे अपलोड करना चाहिए था बट मैं अपलोड नहीं की थी आ, पहले पहले मराठा डायनेस्टी के ऊपर में और लैटर मोगल्स के ऊपर उसके बाद मराठा डायनेस्टी के ऊपर और जो था हायर की ऑफ मराठा डायनेस्टी वो सब अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी बट इसको पहले करना चाहिए था बट मैं की नहीं थी अभी कर दे कर दे रही हूँ तो शिवाजी देखेंगे तो इससे पहले क्या जाने हम लोग शिवाजी रेवेन्यू लास्ट रेवेन्यू असेसमेंट जो हुआ वो अन्ना जी दत्तों के द्वारा वो सिक्सटीन हंड्रेड सेवेंटी नाइन में हुआ और शिवाजी का डेथ हो गया तो शिवाजी का डेथ हो गया और तो हम लोग पढ़ेंगे एटीन हंड्रेड सिक्सटीन हंड्रेड एटी में उनका डेथ हो गया ठीक है उसके बाद पेशवा का राज चला उसके बाद पेशवा का राज चलने लगा शिवाजी का डेथ होने के बाद शाहजी जो आए साहू आए उनके बाद ताराबाई जो युद्ध किए और उनके बाद पेशवा सपोर्ट किए शाहू कुदेन पेशवा बालाजी विश्वनाथ तो उसके बाद बाजीराहू फर्स्ट बाजीराव राहू सेकेंड ऐसे ऐसे होकर लास्ट तक कंटिन्यू रहा अप टू एटीन हंड्रेड एटीन तक कंटिन्यू रहा तो ये वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है शिवाजी के ऊपर जब आप दूसरा वीडियो दोनों देखना चाहते हैं दो वीडियो पहले वाला दो वीडियो देखना चाहते हैं आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके देख सकते हैं और कॉमेंट दे सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है फिफ्टी क्वेश्चन शिवाजी के ऊपर और ज़रूर उसको देखिएगा और कमेंट दीजिएगा और शेयर करेगा अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट देना ठीक है अनसब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो